18वीं लोकसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद लोकसभा से भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थानीय सांसद सुशील कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के जिला निर्वाचन शाखा में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुशील कुमार सिंह लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर औरंगाबाद से अपना नामांकन पत्र भरे हैं। सुशील कुमार सिंह अब तक 4 बार संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। नामांकन के बाद उन्होंने बताया कि इस बार वे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। यही जन्म लिया, यही पढ़ा लिखा, यही बड़ा हुआ, यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि, यही जीना है, यही मरना, इसलिए औरंगाबाद के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा काम करने का जो तरीका है, मेरा जो संकल्प है, मैंने राजनीति को सेवा के रूप में लिया है, एक धर्म के रूप में अपनाया है, ये मेरा संकल्प है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा सम्मान देते हुए अपने लोगों का मैं उनकी सेवा करता हूं और आगे भी करूंगा, यही आज के दिन में कहना। पार्टी ने तीसरी बार आप पे विश्वास जताया है, क्या लग रहा है जनता का कितना विश्वास इस बार मिलेगा? जनता का तो ऐसा विश्वास है कि आप जहां कहीं चले जाएंगे, पूरा का पूरा माहौल राममय है, पूरा का पूरा माहौल जय श्री राम है। जीत के प्रति कितना विश्वस्त है? पिछले बार जो जीत का अंतर था 70,000 था, इस बार क्या लग रहा है? जो नारा है कि 3 लाख पार, 4 लाख पार, आपका क्या अनुमान है? आपका अनुमान बिल्कुल सही है, उससे कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं जीत के बाद जो औरंगाबाद में बाकी है उसे करना है? औरंगाबाद में अब कुछ ही काम है जो बचे हुए हैं, लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी पूरा नहीं होता। एक काम होता है, दूसरे काम की अपेक्षा होती है, और जिस प्रकार से दुनिया तरक्की कर रही है, भारत उससे भी और तेज गति से तरक्की कर रहा है, तो नई नई चीज़ों की अपेक्षा लोगों को है, और उसको पूरा कराने के लिए मैंने पहले से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं है, अब मैंने अपनी 20 एकड़ जमीन मुफ्त में देने का सरकार को शपथ देकर प्रस्ताव दिया है कि आप उस जमीन में मेडिकल कॉलेज बनाइए, मुझे 1 रुपया मुआवजा के रूप में नहीं चाहिए। औरंगाबाद में रेल लाइन जल्दी ही आने वाला है, पटना से औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज की जो नेशनल हाईवे सड़क है 139, उसको 4 लेन करने का टेंडर जल्दी ही आने वाला है, और भविष्य में औरंगाबाद में हवाई अड्डा भी होगा, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और सिंचाई हमारी प्राथमिकता है। हॉस्पिटल 300 बेड का औरंगाबाद में जिला मुख्यालय में बन रहा है। इसी संसदीय क्षेत्र में मेरे ही कार्यकाल में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहां सारी फैकल्टी रन कर रही है, बहुत अच्छी तरह से शिक्षण का कार्य वहां हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के मामले में हमारा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर करना है, और अच्छा करना है, और आगे ले जाना है, ये मेरा संकल्प। जो भाजपा में राजनीतिक विरोधी हैं आपके, उससे कैसे निपटेंगे? आप तो इसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं, और पार्टी ने आपको लगातार तीसरी बार इसीलिए मौका दिया है। किसी एक राजनीतिज्ञ का नाम मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जिसका कोई राजनीति विरोधी ना हो। ये राजनीति है, इसमें पक्ष विपक्ष होता है, समर्थक भी होते हैं लाखों में तो कुछ विरोधी भी होते हैं, लेकिन जब समर्थक अधिक होते हैं तभी तो बार बार औरंगाबाद की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है। धन्यवाद।